दोस्तों, बीजेपी का राज और उसके बाद कांग्रेस की जीत होती है। कमलनाथ जी, आप मुख्यमंत्री बनते हैं, 6 महीने हो जाते हैं आपको मुख्यमंत्री बने हुए। आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं अपने इन 6 महीनों से? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ जवाब के पहले कि जब मुझे आमंत्रित किया था यहाँ, मुझे कहा था ये इंडिया टुडे आज तक का कार्यक्रम है, मैंने चिंता नहीं करी, इंडिया टुडे का इतना बड़ा नाम है, आज तक का इतना बड़ा नाम है, मैंने स्वीकार कर लिया। जब मैं यहाँ पहुँचा मैंने देखा माइंड रॉक्स, इंडिया टुडे माइंड रॉक्स, तो मुझे लगा कि आपको कार्यक्रम करना पड़ता है माइंड को रॉक करने के लिए। मेरा तो माइंड हमेशा ही रॉक करता रहता है। मुझे कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी। अब मैं आता हूं ये 6 महीने पर। इस 6 महीने में से 2.5 महीने तो जो हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, आचार संहिता थी, इस पर गुजर गया, ठीक है। चुनाव में गुजर गया। बचे थे मेरे पास 120 दिन, और 120 दिन में एक नए नजरिए से, एक नए दृष्टिकोण से कि आज मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, ये बच्चे बैठे हैं यहाँ, इनका भविष्य, ये किस प्रकार का मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं, किस प्रकार का अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो हमारा हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। हाउ डू वी चेंज दिस मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आज आज हमारे जिले में हम अपने प्रमुख अधिकारी को वहां कलेक्टर कहते हैं। ये किसने नाम दिया कलेक्टर? अंग्रेजों ने दिया, तो हम उसी पे चल रहे हैं। उनका काम बदल गया, अंग्रेजों के लिए ये रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। इस प्रकार से हमें व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम चाहें कि परिवर्तन सर आपने प्रशासन में कर दिया, प्रशासनिक अधिकारियों को यहां वहां कर दिया, बिल्कुल किया, व्यवस्था ये जो 15 साल से जिनको रखा गया था, मैंने तो रिपोर्ट मंगाई कि उनकी क्या क्षमता है, उनका उनका रिकॉर्ड देखा, और जो मुझे लगा गवर्नमेंट मुझे चलानी है तो मैं तो उनसे ही चलाऊंगा, मैं तो उनसे ही चलाऊंगा। एक एक प्रशासनिक अधिकारी में, एक आईएएस में, एक आईपीएस में, एक कलेक्टर में, एक एसपी में किस तरह से ये भेद किया जा सकता है कि बिल्कुल वो फलां गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम करेगा, हमारी सरकार के लिए अच्छा काम बिल्कुल नहीं किया जा करेगा? सकता है, क्योंकि कईयों में जिस विभाग में है उनकी क्षमता वहां कम होती है, दूसरे विभाग में ज्यादा होती है। ये कोई लायक होते हैं, कोई नालायक होते हैं, तो है ना सही? आप नहीं, कोई हम कोई बिल्कुल कोई सहमत नहीं है आपसे। नहीं, आप सहमत नहीं है, मैं हम आपको सहमत कराता हूं, नहीं मैं आपको सहमत कराता सर, हूं। लायक है तभी तो आप कोई एडिटर बन जाता है, कोई रिपोर्टर बने रह जाता है, होता है ना ये जो होता है। लेकिन वो कलेक्टर और एसपी बने ना सर, क्षमता थी, योग्य थे तो वो कलेक्टर बने, वो एसपी बने, वो जिला चला रहे हैं वो आपका। तो एक एग्जाम पास करके कलेक्ट आईएएस बने, आईपीएस बने, वो उनका उनको क्रेडिट जाता है इसका, पर वो अपने पूरे कार्यकाल में उसी के ऊपर, उसी के सहारे कि हमने एक एग्जाम पास किया था तो हम बड़े कैपेबल हैं, हम में बड़ी क्षमता है, ये सब नहीं होती बात। हमें ये देखना है कि कौन कौन अधिकारी किस काम के लिए सही है। जो उद्योग विभाग के लिए सही है वो शायद ग्रामीण विकास के लिए सही ना हो। हमें देखना है कि किसने 2-3-4 साल काट लिए एक जगह पर फिर भी वहां डटा है। हमें सबको मौका देना है। तो मेरा लक्ष्य था कि सबको मौका मिले, जो पिछले 15 साल में साइडलाइन हुए हुए थे उनको भी मौका मिले अगर उनमें क्षमता है। तो ये करना, जो 15 साल में आपने तो कभी नहीं कहा इन पूरे 15 साल कि इसकी ट्रांसफर क्यों हुई, उसकी ट्रांसफर क्यों हुई। इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स भी तो नहीं हुए सर। अभी तो बड़े आप पैमाने आए पर हुए कमलनाथ जी, हैं। आते ही आपने तो अदला बदली यहां वहां अभी और अभी लंबी और चौड़ी लाइन लगा दी। बिल्कुल और भी लगेगी। 6 महीने में अपनी सरकार को 1 से 10 तक अगर हम आपसे गए रेट कर दीजिए, नंबर दे दीजिए।
कितने देंगे सर? मैं रेटिंग में नहीं जाता, रेटिंग जो सामने बैठे वो करेंगे। तो इसको मैं खुद अपने आप को रेटिंग करूं। ये जो है अपनी खुद की तारीफ, अपनी फुट। तो हम इस सवाल को दूसरी तरह से पूछ लेते हैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार से आपकी सरकार किस तरह से बेहतर? हमारे मेरे सीधी बात है, ये सीधी बात है, मेरे 120 दिन हुए हैं और 120 दिन में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। संतुष्ट 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, अगर उनको ये मौका मिला था और उनको मध्य प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये स्पष्ट हो गया कि कहां निराशा थी। जहां हमारा सवाल है, हमने शुरुआत करी है, ये तो शुरुआत है, जो हमने परिवर्तन किया, बहुत सारा किया। आज हमारी प्राथमिकता क्या है, मैं अभी प्राथमिकता बता सकता हूं आपको। हमारी प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आज इन बच्चों के भविष्य की है। आज के नौजवान की सोच, आज की नौजवान की तड़फ कुछ और है। 20-25 साल पहले उनकी सोच में अंतर था। आपने रिजेक्शन की बात की सर।